नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज दशहरा का मौका है, विजयदशमी है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आज के इस दिन का। शुरुआत करते हैं बैटरी अमेरिका का एक बहुत ही अव्वल दर्जे का दवाई जो गाय के दूध से बनती है, ब्लैक डेफ्लोरेटम। जी हाँ दोस्तों, इसके जो भी प्रूविंग हुआ है, डॉक्टर श्वान ने इसका किया था प्रूविंग और इतना बढ़िया बढ़िया सिम्टम्स सामने आए हैं कि आप लोगों को बहुत सारी बीमारियों से ये बचा सकता है। ज़रूर इसको अपने पास रखिए, लैक डेफ्लोरेटम काम में ज़रूर आएगा। सबसे पहले इसका जो सिम्टम्स के बारे में कुछ चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही मायने रखती है आप सबके लिए और कॉमन है, हर किसी के घर में ये पाया जाता है। न्यूट्रिशन का अभाव, प्रॉपर तरीके से खाना पीना ना करना, ये किसी में भी देखा जाता है, एक लड़की से शुरू करके ओल्ड एज तक। अगर किसी को प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं हो पाता या फिर वो पचता नहीं है तो वीकनेस फील होती है, वो फटिगनेस फील होती है, कुछ काम करने को मन नहीं करता, सिर्फ पड़े रहने को मन करता है, सोते हुए रहने को मन करता है। तो ये जो जनरल वीकनेस है, खाने पीने का अभाव या फिर प्रॉपर तरीके से वो डाइट पचता नहीं है, वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता बॉडी में, खून में लगता नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ये लैक डेफ्लोरेटम। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार सिकनेस, मोशन सिकनेस में, मैंने आपको कॉक्यूलस में जब मैंने वीडियो बनाया था तो वो दवाई के साथ साथ ये दवाई भी बहुत ही बढ़िया काम करता है कार सिकनेस, मोशन सिकनेस में। नौशिया, वोमिटिंग फील होना, सरदर्द होना, सरदर्द खास करके मॉर्निंग के समय जब सूकर उठता है तो बहुत बढ़ जाता है, सामने की तरफ से शुरू होता है और पीछे की तरफ जाता है, इतना भयानक सरदर्द कि नौशिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा सेंसेशन फील होता है, बहुत ही बढ़िया काम देता है। और एक इसका महत्वपूर्ण सिम्टम है जिनमें दूध पचता नहीं है, दूध पीते ही उनको सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, सरदर्द हो, गैस्ट्राइटिस हो, एसिडिटी हो, वोमिटिंग होती है, वो सारे प्रॉब्लम्स जिनको दूध ना पचने के कारण शुरू होता है वो तमाम प्रॉब्लम के लिए बहुत ही बढ़िया काम देती है। और एक इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो है माताओं में दूध की कमी होना, न्यूट्रिशन के अभाव में हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, एनेमिक जो स्टेट होता है उसके कारण उनका दूध बनता नहीं है, तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उन जैसे माताओं के लिए वरदान है ये लैक डेफ्लोरेटम। आप इसको बिल्कुल दे सकते हैं, उनका जो ब्रेस्ट मिल्क को ये बढ़ाएगा। इसके साथ साथ इसके और एक दो सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, ऑब्स्टिपेशन भी कहते हैं, मतलब 3-4 दिनों तक उनका जो लैट्रिन है वो साफ़ नहीं होता, उनको हाजत लगती ही नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही वरदान रूप में साबित होता है लैक डेफ्लोरेटम। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं बढ़िया काम देती है। इसके अलावा जिनको मेंसेस में थोड़ा सप्रेशन हो गया है, उनको मेंसेस ठीक तरह से नहीं आता, उसके लिए भी दिया जाता है लैक डेफ्लोरेटम, लेकिन दूसरे जो सिम्टम्स है वो मैच करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका जो फॉल्टी न्यूट्रिशन है, खाना प्रॉपर तरीके से वो खाता नहीं है या फिर वो प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं हो पाता। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स के बारे में जो हमने चर्चा की है, आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कीनोट्स है, अनकॉमन पिकुलर सिम्टम्स है लैक डेफ्लोरेटम का, वो चाहे दूध का ना पचना हो, उसके एलर्जी के कारण मिल्क एलर्जी हो, जो हमारे माता हैं उनको मिल्क की कमी हो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, या फिर उनको सरदर्द हो, माइग्रेन हो, कार सिकनेस है, तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने कहा, ये जितने भी एक्यूट कंडीशन है, आप इसको 30 पोटेंसी से शुरू कर सकते हैं, 2-3 दिन बूंद करके दिन में 2-3 बार दे सकते हैं, 10-15 दिन दीजिए, फिर उसके बाद इसका 200 पोटेंसी आएगा, 2-3 डोज 4 डोज तक दे सकते हैं एज़ पर कंडीशन और ससेप्टेबिलिटी बॉडी का, कोई इंसान कितना उसको ग्रहण कर सकता है। तो उसको देने के बाद 15-20 दिन 1 महीना वेट कीजिए आप, उसके बाद 1 mg का एक सिंगल डोज देकर देखिए, बढ़िया काम करता है। और वो जितना भी सिम्टम्स मैंने कहा आपको, कीनोट इसका टॉप मोस्ट पॉइंट्स है, क्लिनिकल ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत हमने यूज़ किया है अपने 15 साल के करियर में, बढ़िया इसका रिजल्ट आया है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो नए वीडियोस में आने वाले दिनों में अपलोड करूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अगेन, और दशहरा का फिर से आपको अभिनंदन, नमस्कार।